उत्तराखंड की खबरें आपको बताएंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। जानकारी के मुताबिक दो हमलावर बाइक पर सवार होकर आए थे और सूत्रों के अनुसार 2 से 3 राउंड फायरिंग यहां पर हुई है। सुबह 4:55 की ये घटना बताई जा रही है और घटना के बाद पुलिस में जुट गई है। कई बार जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है, जिसके बाद अब ये बड़ी खबर मौके पर पहुंच रही है। बताया जा रहा है बाइक सवारों ने 2 से 3 राउंड फायर किए हैं और उसके बाद मौके से फरार हो गए। इससे पहले भी सलमान को कई बार जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है। इस बीच ये अटैक माना जा रहा है और ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है कि 2 से 3 राउंड फायर किए गए। दो हमलावर बाइक पर सवार होकर आए, जिन्होंने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको लगातार बता रहे हैं। 4:55 की, यानी कि 5 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई है। ये बड़ी जानकारी, एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज 18 इस वक्त आपको दे रहा है। बड़ी खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि 2 से 3 राउंड यहां पर फायर भी हुए हैं और मुंबई में सलमान का जो घर है, सलमान के घर के बाहर ये घटनाक्रम हुआ है। 3 राउंड फायरिंग हुई 4:55 पर। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। पुलिस की तरफ से जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है और अब मामले को लेकर गहनता से जांच चल रही है। अब ऐसे में सवाल ये है कि कौन ये लोग थे जो बाइक पर सवार होकर आए और इन्होंने 3 राउंड फायर यहां पर किए हैं। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।